अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सब दोस्तों गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। तवाफ़ अफाज़ा ये हज का तीसरा रुकन है, अगर ये अदा ना किया जाए तो हज नहीं होगा। तवाफ़ अफाज़ा तवाफ़ ज़्यारत का मसनू वक्त कुर्बानी के दिन 10 ज़ुलहज्जा को सर मंडवाने या उसके बाल कटवाने के बाद हैं। तहम कुर्बानी के आखिरी दिन यानी 12वें ज़िलहज तक वो तवाफ़ ज़्यारत कर सकता है। बाज़ुलमा ने पूरे माह ज़िलहज्जा में किसी वक्त भी तवाफ़ अफाज़ा करने की इजाज़त दी है। खवातीन में को इसमें जल्दी करना चाहिए ताकि उनको मखसूस बीमारी ना आ जाए। इसकी अदाई का वही तरीका है जो तवाफुल कुदूम के ज़मन में बयान किया जा चुका है, यानी खाना काबा के 7 चक्कर और फिर सफ़ा मरवा के दरमियान साई के 7 चक्कर। अलबत्त सर के बाल कटवाने की ज़रूरत नहीं। तवाफ़ ज़ियारत के बाद हाजी पर तमाम बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं और इसकी ज़िंदगी मामूल पर आ जाती है। अगर हाजी ने यह तवाफ़ 10वें ज़िलहज को कर लिया तो उसे फारिग होकर वापस मना आना होगा और वहाँ अय्याम तशरीक गुजारना होंगे, जिनके दौरान वो रमी जमार यानी शैतान को कंकरियाँ मारने की रस्म अदा करेगा। ख्वा 12वें ज़िलहज्जा को भी वापसी अख्तियार करे, ख्वा 13वें ज़िलहज्जा को। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकअल्लाह।